हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कुछ मीठा बनाएंगे जिसका नाम है शाही टोस। ये शाही टोस बनाना बहुत ही आसान होता है, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं शाही टोस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ पर 10 टोस लिए हैं, एक कटोरी चीनी और 2 इलायची। तो चलिए अब हम शाही टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सिरा यानी कि चाशनी बना लेते हैं। चाशनी हम भगोने में बनाएंगे, तो इसमें हम डाल देंगे चीनी, इसमें अब हम डाल देंगे पानी। लगभग इसमें हमने 1 गिलास पानी डाला है। अभी गैस हम हाई फ्लेम पे रखेंगे, तो जब तक हमारी चाशनी तैयार होगी तब तक हम ये इलायची को पीस लेंगे। तो सबसे पहले इलायची का हम ये छिकला निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर दाना निकलता है, और इस दाने को हम सिलबट्टे में पीस लेंगे। तो ये देखिए इलायची को हमने पीस लिया है, और इधर चाशनी हमारी खोलने लगी है। जिस तरह से हम गुलाब जामुन का सिरा बनाते हैं उसी तरह से हमें इसका भी सिरा बनाना है। इसे हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे, जब हल्का हल्का चिपकने लगेगा तब समझ लीजिए आपकी चाशनी तैयार है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए हल्का हल्का चिपचिपाने लगा है, इसका मतलब चाशनी हमारी तैयार है। तो इसमें हम डाल देंगे इलायची और गैस को बंद कर देंगे। तो चलिए अब हम टोस्ट को छान लेते हैं। उसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है और इसमें तेल लिया छानने के लिए। चाशनी में इलायची मिलाने से क्या होगा, इसकी जो महक आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो क्या होगा, शाही टोस्ट खाने का एक अलग ही मज़ा रहेगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो चलिए इसमें अब हम टोस्ट को छान लेते हैं। इसे हमें थोड़ा सा ही छानना है, ज़्यादा इसे हमें नहीं छानना है। ज़्यादा अगर देर तक छानेंगे तो ये हमारा जल जाएगा टोस्ट। तो चलिए इसे हम चाशनी में डाल देते हैं। चलिए और छान लेते हैं। इसे भी हम डाल देंगे। इसी तरह से बाकी काम बचा हुआ सब छान लेंगे। जो हमने टोस्ट शुरू में डाला था उसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें चाशनी काफ़ी जो है सोख चुकी है। तो जो बाकी जो टोस्ट बचा है उसको भी हम सिरे में डाल देंगे, वो भी अच्छे से फूल जाए, और इसको निकाल लेंगे। ये हमने पहले डाला था। जब चाशनी का रंग जब टोस्ट में चढ़ता है तो टोस्ट हल्का सा काला हो जाता है। अभी देखिए, ये देखिए ऐसे है, और जहाँ इसका चाशनी का रंग चढ़ेगा इस पर, तो ये हल्का काला हो जाएगा। इसे भी अब हम थोड़ी देर ऐसे डाले रहेंगे। ये देखिए ये वाला भी टोस्ट देखिए हल्का, देखिए काला काला देखिए हो गया है, क्योंकि इसमें इसका मतलब चाशनी का रंग चढ़ गया है। तो चलिए इसको भी हम सब निकाल लेते हैं।
तो ये देखिए शाही टोस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे आप लोग भी ज़रूर बनाइए और खाइए। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको देखने को मिलती रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।